बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान में भूमंडलीकरण विश्व का बनना पढ़ रहे थे। हमने आप सारे चैप्टर हमारे प्राय प्राय हो चुके हैं, तो अब हम आगे, ये कौन सा है पार्ट, मतलब हमारा ये है भाग पांच जाएगा, क्योंकि हमने अब पांचवे भाग में हमने क्या लिया है, प्रश्न उत्तर लिया है। तब हम देखेंगे 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण। आदान प्रदान, जैसे मैंने अब जब चैप्टर समझा रही थी तो आपको मैंने बताया था कि आदान प्रदान क्या होता है, एक चीज का मतलब लेना और देना। और हमने ये भी बताया था कि यदि पुराने लोगों को आपने देखा हो, जब वो कहीं जाते थे तो कुछ सामान लेकर जाते थे, या पोटली में बांध के जाते थे, या फिर कहीं पहुंचने जाते थे, मतलब उस तरह से वो ले जाते थे। और जिस तरह से कपड़े हैं, मसाले हैं, मतलब खाने की चीजें हैं, वापसी में सोने चांदी की चीजें, कीमती, मतलब हम कहीं और जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ चीज लेकर आते हैं। तो इस तरह से लेना और देना मतलब आदान प्रदान, मतलब लेना और प्रदान करना मतलब देना। तो इस तरह से फिर हम देखेंगे अमेरिका, चीन में हुआ सिल्क मार्ग के माध्यम से, हमने देखा था अमेरिका में क्या 16वीं शताब्दी के यूरोपीय जहाजों के एशिया तक समुद्री रास्ता उन्होंने खोज लिया था, और जिसमें विशाल भूमि के बेहिसाब फसलें, खनिज पदार्थ हर दिशा में हमने जीवन का रंग दिया। मतलब उन्होंने जब यहां से लौटा तो उन्हें भी इस देश के बारे में, जिस उपनिवेश का खोज किया था उसके बारे में उन्होंने सब चीज लिखा होगा। फिर देखेंगे बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग में उपनिवेशीकरण किस प्रकार मदद की। अब यहाँ पर हमने देखेंगे कि उपनिवेश जो बने वो क्यों बने और कैसे बने। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश, जो पुर्तगाली और स्पेनिश जो सेनाओं के विजय का सिलसिला जब शुरू हुआ, जब उन्होंने एक देश को जीतना चालू किया तो उनका क्या हुआ, लालच बढ़ गया या लक्ष्य बढ़ गया कि नहीं हम जब इस देश को हरा सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इस तरह से जब विजय का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने अमेरिका के उपनिवेश बनाना भी शुरू कर दिए थे। इस तरह से वह बढ़ते चले गए। फिर उसी तरह यूरोपीय सेनाएं सैनिक ताकत में दम पर जीत नहीं जीतती थी, बल्कि विजेताओं के पास जो परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार नहीं थे और वे चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश और सैनिकों के अफसरों के साथ ही वहां पहुंच जाते थे। मतलब वो क्या था, वो सैनिक ताकत से नहीं जीतते थे, उनके साथ जो बीमारी चल रही थी उसके माध्यम से वहाँ के जो लोग थे वो बीमार हो जाते थे और वो फिर एकदम तेजी से फैलती थी, जिसमें गांव के गांव और वहाँ के लोग मर जाते थे और बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें नहीं थी। यूरोप से जो आने वाली बीमारियाँ थी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था और किस तरह से वह फैल रही है और यह क्या हो रहा है यह भी समझ में नहीं आता। और घुसपैठियों के जीत का रास्ता भी आसान होता चला गया था, क्योंकि जो विदेश से आ रहे थे वो बीमारी लेकर ऑटोमेटिक चले आ रहे थे। फिर इसी तरह से हम आगे देखेंगे बंदूकों को खरीद कर, उनसे छीन कर, हमलावरों के खिलाफ भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर देखिए निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए टिप्पणियां लिखी, तो क्या क्या है, कार्नल लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, अफ्रीकी में रिडर पेस्ट का आना, विश्व युद्ध के कारण कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत होना, भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी का प्रभाव, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो ब्रिटेन सरकार भूस्वामी के दबाव में मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिनसे कानूनों के सहारे सरकार जब पाबंदी लागू की तो उन्होंने कार्नला कहा गया, जिसको कि हम कॉर्न कहते हैं, जो मक्के के दाने होते हैं उसको कॉर्न फ्लोर या कॉर्न आटा उससे बोलते हैं ना, उसको कॉर्न लॉ बनाया, क्योंकि मक्के से संबंधित उन्होंने कानून बनाया था। उसी तरह से अफ्रीका में भी 19वीं सदी जो रेंडर पेस्ट नामक जो बीमारी तेजी से फैल रही थी उससे संबंधित थी, जो कि मवेशियों में फैल रही थी, इससे भी उनका आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। आजीविकों को भी इतालवी जो सैनिक पेट भरने के लिए वे जानवरों को खाना चालू कर दिए थे। इस तरह से ये बीमारी जो थी जंगलों की आग की तरह पूरे अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों में फैलने लगी थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1914 में शुरू हुआ था उसमें 1919 में समाप्त हुआ था। इस तरह से मशीन गन, टैंकों और जहाजों के रासायनिक हथियारों को बड़े पैमाने पर उनको यूज किया गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि 90 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे, इस तरह से वहां पर हुआ था। फिर महामंदी का प्रभाव पश्चिमी देशों में बड़े भयंकर तौर पर पड़ा, क्योंकि उपनिवेश के कारण यहाँ का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा था। व्यापारिक क्षेत्र में भी असर पड़ा, कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ा और इसके साथ साथ शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। और वैश्वीकरण की पुनः जो प्रक्रिया थी वह पुनः प्रारंभ करनी पड़ी थी, क्योंकि युद्ध के कारण जो पूरी परिस्थितियां जो उथल पुथल हो गई थी, सारी चीजों में उसका प्रभाव पड़ा था। और वैश्वीकरण से हमको देश को पुनः विकास करने के लिए पुनः उस प्रक्रिया को प्रारंभ करना पड़ा था, जिससे कि देश की आर्थिक विकास आसानी से हो सके। फिर 1920 के दशक में जो थी बहुराष्ट्रीय
फिर हम देखेंगे खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के दो उदाहरण दिए थे। तो 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वह सामने आ चुकी थी और इसका भी उपलब्धता पर भी तकनीक का प्रभाव जो था वह पड़ने लगा था। मतलब हर चीज में खाद्य की उपलब्धता पर तकनीक पर प्रभाव इसका पड़ने लगा था, जैसे कि रेलवे का विकास, भोजन की आसपास के गाँव या कस्बे नहीं बल्कि हजारों मील दूर तक आने जाने लगा था, जिससे कि मतलब हर चीज जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते। उसी तरह से नहरों के विकास में भी यह प्रभाव पड़ा था कि हम पंजाब में देखते हैं कि कई जगह ऐसा था कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नहरों के माध्यम से हम वहां तक पानी को पहुंचा सकते थे और कुछ नहरों का जाल बिछ जाने से, नाव के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से वहां की उत्पादित वस्तु को हम बाहर ले जाकर या दूसरी जगह जाकर कई गुना उस उत्पादन भी बढ़ गया था, जिसको कि हम बाहर आसानी से बेच सकते थे या बाहर भेज सकते थे। इसी तरह से हम देखेंगे ब्रिटेन में, यूरोप में मतलब कई चीजें ऐसी आई थी जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई जगह ऐसी थी जहाँ लोग जो है मांस खाना चालू कर दिए थे, जिसके फिर इस तरह से क्या हुआ था कि लोग मांसों को भी बाहर व्यापार करने लगे थे और बाद में फिर यूरोप में इसके दाम भी गिर गए थे और इस तरह से भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया था। फिर ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ ये है कि वहाँ के इस आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखना आवश्यक हो गया था। और इसी को ही इसमें कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन सहमति बनी थी और इस तरह से ब्रेटन और वुड्स जो थे उन दोनों के बीच ये समझौता हुआ, जिसको कि ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पर युद्ध के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में अक्सर ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन उन्होंने किया था। फिर कल्पना कीजिए कि कैरेबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर थे या फिर विवरण के आधार पर उनके हालात और उनकी भावनाओं का वर्णन करते हुए बताइए। तो इस तरह से ये एक जो गिरमिटिया मजदूर था वह अपने बारे में सारी जानकारियां वह लिखता है, जैसे मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे, वैसे तो यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है परंतु एजेंट ने मुझे यहाँ भेजा था उसकी वजह से पूर्ण जानकारी नहीं दी थी। जिस तरह से मैंने उस समय आपको समझाया था कि एजेंट लोग के माध्यम से इनको वहाँ भेजा जाता था, उनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता था कि इतने साल तक आप वहीं रहेंगे, उसके पहले या उसके बाद आप वहाँ आ नहीं सकते हैं, मतलब क्या होगा कैसा होगा उनके साथ कुछ भी नहीं मानता, मतलब आप यदि वह निकलने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ा जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको मारा जाता था। इस तरह से ये सारी जो गिरमिटिया मजदूर था वह अपनी बात भेजता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की तीन तरह की जो गतियाँ थी, आर्थिक विनिमय जो थी वह तीन तरह की गतिविधियों को प्रवाहित किया गया, जिसमें हम देखेंगे व्यापार का प्रवाह, पहला प्रवाह जो था वह व्यापार का होता था, फिर दूसरा प्रवाह होता था श्रम का और तीसरा प्रवाह था पूंजी का। यहाँ ये देखिए पहला प्रवाह क्या है व्यापार, दूसरा प्रवाह क्या है श्रम और तीसरा प्रवाह है पूंजी। स्वाभाविक है ये जब तीनों चीजें हमारे पास होंगी तो हम देश के जो है आर्थिक प्रवाह आर्थिक विकास जो है हम आसानी से कर सकते हैं कि यदि हम श्रम होगा पूंजी होगा तो हम उत्पादन को बढ़ाएंगे, उस तरह से हम व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। तीनों प्रवाह के उदाहरण जैसे कि भारतीय देशों के व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए, दूसरा जैसे कारीगर और इंजीनियर विदेशों बगानों का सड़कों के रेल निर्माण आदि कार्य करने के लिए, और प्राचीन काल में जो पूंजी का निवेश था उसको करने के लिए, मतलब हम इससे क्या कर सकते थे, दूर व्यापार के माध्यम से दूसरों से संबंध बने। फिर जो हमारे पास जो इंजीनियर थे वो बाहर भी गए, विदेशों में भी गए, सड़क बनाए, खान बनाए, फैक्ट्रियां बनाए, इंजन बनाए, इस तरह से उन्होंने कार्य किया। फिर महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, महामंदी के क्या कारण थे? तो महामंदी की जो शुरुआत हुई थी उसके मुख्य कारण जो है वह निम्नलिखित है, जैसे कि उद्योग क्रांति के कारण अमेरिका में ब्रिटेन के उत्पादन कार्य में होने लगा था, जिसमें 1930 तक में माल का तैयार होना, एक भंडार जो बड़ा भंडार जो था उस समय एकत्र हो चुका था लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं था। फिर कृषि क्षेत्र में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, उत्पादन आप लोग जानते होंगे कि जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो वस्तु की जो कृषि उत्पादक जो वस्तुएं होती हैं उसकी कीमत गिरने लगती हैं, जिससे किसानों की जो अपनी घटती आय, मतलब उनको जो कीमत उनको मिलना चाहिए उनके उत्पादन का वह कीमत उनको नहीं मिल पाता है, उनको कम कीमत पर भी अपनी कृषि उत्पादित वस्तुओं को बेचना पड़ता है, जिसमें दलाल हैं बीच में जो लोग
बीच में दलाल हैं, बिचौलिया होते हैं, ये उसका फायदा उठाते हैं और इससे उनकी कीमतें और गिरने लगती है और इससे कि किसानों को भी उससे हानि उठानी पड़ती है, उनकी वस्तुएं भी पड़े पड़े सड़ने लगती है। इस तरह से कई बैंक कई लोग अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कर्ज लेकर करते हैं, फिर बड़े बड़े बैंकों से उन्हें धराशायी हो गई क्योंकि मुद्रा की कीमत जो है बुरी तरह गिरने लगी थी, फिर शेयरों की कीमत में भी गिरावट आने लगी थी। इसी तरह से फिर हम देखेंगे G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे वे 50-60 के दशक में भी, अभी हमने आपको पिछले कक्षा में आपको ये सारी चीजें मैंने समझा चुकी हूँ, तो इसमें बड़ी तेज प्रगति हुई जिससे लाभ नहीं हुआ, लेकिन देखते देखते कई अंतर जो आर्थिक व्यवस्थाओं आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई जिससे संगठन बनाया गया और उसके बाद फिर आर्थिक विकास बड़ी तेजी से किया गया। इसी तरह से हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों के नाम से G77 नामक संगठन बनाकर भी आर्थिक जो नीति थी उस प्रणाली की मांग की गई थी ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। और आर्थिक उद्देश्य क्या थे, उनके आर्थिक उद्देश्य थे अपने संसाधन उनका पूरा नियंत्रण हो, मतलब उनका जो संसाधन था उस पर उनका पूरा नियंत्रण हो, उसके पूरे पूरे उनको दाम मिले और विकसित देशों के बाजारों में बेचने से वे बेहतर पहुंच मिले, मतलब बाजार तक उनकी वस्तुएं जो थी वे आसानी से वहां तक पहुंच सके। फिर आगे हम इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर हैं, आप लोगों को ये कॉपी में नोट करने हैं और इस तरह से ये सारी चीजें जो है वह वहां पर हो सकती।